आज 10 अप्रैल 2022 को हम डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन का जन्मदिन मना रहे हैं। उनका 267 यानी 267वां जन्मदिन है ये। और उस शख्स ने रिसर्च की और ये बताया कि सिविल इवेंट्स क्यूरेटर, और इस क्यूरेटर के आधार पर उसने एक नई पैथी का जन्म दिया, इसको आज होम्योपैथिक के नाम से जानते हैं और तमाम दुनिया में लाखों लोग इस इलाज से फायदा उठा रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने कुरान का ट्रांसलेशन किया, और कुरान का ट्रांसलेशन करते हुए जब सच्चाई उनके पास आई तो उन्होंने अपनी आस्था बदली, और साथ साथ सब लोगों को उन्होंने होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट दिया जो बहुत आसान है। आज भी हमारे भारत में लाखों लोग इससे फायदा उठा रहे हैं।